एक्साइटेड गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। अपनी जिंदगी में ही कैमल का मिल्क नहीं पिया है। बकरी समझ में आता है, गाय समझ में आता है और भैंस समझ में आता है, बट आई नेवर ट्राइड ऊंट का दूध पीने के लिए। अलग तरह का टेस्ट आ रहा है। हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग आप स्टार्ट करेंगे कैमल के मिल्क से। सो लेट्स गो, कैमल का मिल्क वाली वीडियो देखो, तब तक मैं आगे मिलता हूँ। भाई साहब नज़ारा तो बहुत प्यारा है। भाई साहब मैंने पहली बार है ना अपनी लाइफ में ये कैमल मिल्क लिया हुआ है, बट इसको आफ्टर वर्कआउट के बाद में मैं ट्राई करने वाला हूँ। मैंने कभी भी नहीं पिया है, सो आई एम गोइंग टू ड्रिंक दिस वन आफ्टर रीचिंग एट होम। तो इसको जाने के बाद मैं फ्रिज में रख दूंगा, पहले वर्कआउट मतलब रनिंग करने जाऊंगा। तो चलो, और बस भी आने वाले हैं, बाकी के सारे स्टाफ वेट कर रहे हैं यहाँ पे। बज रहे हैं डेढ़, मैं दो बता रहा था, बज रहे हैं डेढ़। तो ये रहा, अभी ये आते आते थोड़ा सा गर्म हो गया, तो फिर मैं इसको रख दे रहा हूँ फ्रिज में। आने के बाद में भाई, अरे क्या हो रहा है ये। हाँ, तो आने के बाद में फर्स्ट टाइम अपन ट्राई करने वाले भाई वाला मिल्क, और दाल राइस बना हुआ है। आते हैं, खाते हैं, सोते हैं और टेस्ट करेंगे जरूर कैसा बना हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो एक बार मेरा मन किया कि नहीं जाता हूँ यार, जाके सो जाता हूँ, फिर मैंने बोला भाई कमिटमेंट किया हुआ है तो, और मैंने ब्लॉग में भी बोल दिया था कि मेरे को जाना है, तो मेरे मन बोला था चल के सो जा भी, कौन सा तू बॉडी बिल्डर बना लेगा एक दिन में। बट मैं ही जानता ना, ये जो मन बड़ा चंचल होता है, कभी भी अच्छी चीज़ करने देता नहीं है। अपने दिल की सुनो भाई, और दिल पहले से बोल रहा था कि भाई तेरे को जाना है, तेरा जंक फूड तू ज़्यादा खा रहा है, तो वो जंक फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भाई ये करना बहुत जरूरी है, वरना कसम से सारे चीजें। अभी मस्त वाला भागेंगे, पूरा पसीना निकालेंगे बॉडी में से, देखते हैं क्या सीन है, दिखाता बाबू। भाई 40 मिनट मैंने जस्ट चलाए 3 किलोमीटर के आसपास। ओह, अब चलते हैं यहाँ से, 2 बज गया। आई एम गुड, आई वा भाई, मैं वर्कआउट करके आया, सर अभी आया यहाँ पे, वो भी हाँ तो उसका जो गाना गा रहा था बंदा, इंडियन आइडल में गई तो होगा, तो उसका प्रेसिडेंट और इजिप्ट का प्रेसिडेंट ऐसा लगता है सेम है, तो इसकी वजह से ये लोग बहुत फेमस है, मतलब खुश हो रहे हैं, जरा सा जूम लू रहे, नारे नारे कर रहे थे। फाइनली चलो पहुंच गए, निकालते हैं अपने जूते वूते। फाइनली आज मैंने अपने मन को हरा दिया, डन। अब मस्त गरम गरम दाल चावल खाऊंगा और सोऊंगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो नहा के धो के फ्रेश अप होने के बाद में, तुमको पता है मैं जब नहा रहा था ना, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कब जल्दी से मैं नहा के निकलूं और ये प्यारा सा कैमल वाला मिल्क पीऊं। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी पूरी बचपन ऐसा बीता है, मैं आज 26 साल का हूँ, बट मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कैमल का मिल्क नहीं पिया है। बकरी समझ में आता है, गाय समझ में आता है और भैंस समझ में आता है, बट आई नेवर ट्राइड ऊँट का दूध पीने के लिए। तो सैफ्रन फ्लेवर है, चलो भाई पीते हैं, पहले टेस्ट करना है कैसा होता है, खट्टा मीठा तीखा कड़वा। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, आई एम सो एक्साइटेड।
अलग तरह का टेस्ट आ रहा है। कभी आप ऊंट के पास में खड़े रहेंगे ना, उसके बॉडी का जो स्मेल आता है वो सैफ्रन का मिक्स तो पूरा ऊंट के बॉडी का स्मेल आ रहा है भाई। मैं तो नहीं पिया जाना, मैं सुबह मॉर्निंग में पीऊंगा क्योंकि मेरे को खाना खाना है। अगर मैं ये पी लूंगा ना मेरे से उल्टी हो जाएगा। एकदम अलग तरह का टेस्ट है। आई विल ईट ड्रिंक इन द मॉर्निंग। मुंह खराब हो गया यार, अब सुबह पीऊंगा मैं। अभी पीऊंगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, सब उल्टी कर दूंगा। बुरे ऐसा लगा उसके बॉडी का स्मेल मेरे नाक में घुस गया। फक, मैं बाद में मिलता हूँ बेचारा खाना खाने के लिए। बाय, बाकी की बातें सुबह। तो मैं अभी ना सोने जा रहा था, बट सोने से पहले मेरे को अभिषेक दिख गया। सो ब्रदर वेरी गो, जस्ट टेक दिस, थैंक यू योर गिफ्ट, हैप्पी जर्नी। आई थिंक आई विल स्लीप, और मे बी आई एम इन द जॉब, आई कैन नॉट मीट यू, सो दैट्स व्हाई आई थिंकिंग आई जस्ट गिव देम। हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून, सी यू नेक्स्ट मंथ। चलो भाई दे दिया, मैं जा रहा हूँ। भाई का बैग रेडी है, दो कल निकल जाएगा भाई अब। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 15 मिनट ही बचा जाने के लिए, बट सीन क्या है देखो ना, ये मेरे ये साइड का हिस्सा दिख रहा है पूरा, ये साइड का हिस्सा, ये कल रात को वॉशिंग मशीन में डाला तो दिख रहा है, अभी भी पानी दिखा होगा ये लाइन। तो ये साइड का हिस्सा सूखा ही नहीं है, और ये साइड का हिस्सा सूख गया है वॉशिंग मशीन में डालने के बावजूद भी, और अभी तक अभी जा रहे धूप में पटाखे खड़े होके, थोड़ा बहुत तो सूख जाएगा, नहीं तो फिर काम पे ही सूखेगा। अरे ये कैमल के मिल्क ने कल मेरे को तो भाई अलग सा सीन कर दिया था, ऐसा लग रहा था उल्टी पलटी हो जाएगी। तो 150 रुपये में भाई, सो 150 रुपये में मैं अगर नॉर्मल गाय का दूध, अमूल का दूध वहाँ पे खरीदता ना, तो मेरी बेटी लोग है ना आराम से 2-3 दिन दूध पीते थे 1-2 लीटर, और मैंने खाली 150-150 रुपये का ये फ्रेश कैमल मिल्क टेस्ट करने के लिए लिया था। वल्ला लाजिम ये एकदम बेहिसाब है, इसकी कोई गिनती नहीं है, जिस मैंने कभी जिंदगी में ट्राई नहीं किया, इसकी वजह से अलग सीन लग रहा है। मगर मैं फटाक से पी के निकल इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, मगर जो सैफ्रन का और जो कैमल मिल्क का टेस्ट है ना एकदम अलग सीन का है। सार बकराइन बकराइन मम्मी बकराइन बकराइन लागत भाई। तो यार बहुत ज्यादा ठंडा है, आधा नीचे पीऊंगा, नहीं पी लेता यार। तो ये मेरे लाइफ का पहली बार मैंने पिया है, देखो ना अलग से पानी भी आ गया क्योंकि कभी पिया नहीं है ना, एकदम डिफरेंट टेस्ट दिस वन, ऐसा बकरी और गाय के दूध की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कोई भी तरह का कंपेयर नहीं करना, नहीं तो पी नहीं पाओगे। बट हाँ, इसके अंदर विटामिन वगैरह बहुत दबा के है। 100% कैमल मिल्क, 100% कैमल मिल्क बता रहा है। तो भाई फाइनली कैसे भी करके पी लिया, अब जिंदगी में कभी नहीं पीऊंगा, बस एक्सपीरियंस करना था कर लिया, अब चलते काम पे, लेट हो रहा है। थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच आप लोगों को, कितना अच्छा लाइफ है। दूर हो क्या अच्छा लाइफ है यार, फैमिली को मिस कर रहा हूँ, बच्ची को मिस कर रहा हूँ, खासकर छोटी वाली बच्ची को मिस कर रहा हूँ। वो क्या डांस कर रही है ना भाई, ऐसे ऐसे कमर मटका रही है, आपको एक दो झलक दिखाता हूँ देख लो। मेरी बस कब आएगी? नॉट दिस इज नॉट माई बस। चलो आने आती ही होगी, फिर जाएंगे। आप बोलिए मैं ना यहाँ पे नहीं बैठा, आप नहीं दूसरे सीट पे बैठे। तो भाई कल वाली वीडियो ने आपने तो मचा दिया भाई, क्या बात है, सही है, थैंक यू।
अभी आप लोग को एक चीज दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखो। ये मेरा YouTube का चैनल है और ये रहा मेरा डैशबोर्ड। कल की वीडियो देखो, पटाखे नंबर वन पे रैंक कर रही है और 564 व्यूज मिले भाई इस पे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो भाई, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि पूछूं मत। और आप लोग का इतना प्यारा सा ये जो रिस्पांस है, वाओ 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 वाओ, ये ऐसा बहुत ही कम वीडियो में होता है। और थैंक यू सो मच, ये और कुछ नहीं बोलो, चलो काम पे। ये रही वो। भाई तीन, कल भी तीन थे आज भी तीन। चलो पहुंच गए, मैं जा रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सामान सामान के दुकान में करिए, पर मेरे पास में हो नहीं है, क्या है राइस, तो मैं जा रहा हूँ खबूस खरीदने के लिए। लेट्स गो टू बाय खबूस। तो सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले यहाँ पर अभी आज के दिन, मेरे साथ में कोई नहीं है। मतलब ऊपर खाली एक बेचारी लड़की होगी, केजांग होगी, केजांग नहीं तो मंजू होगी, पता नहीं कोई तो होगा। देखते मैं खबूस लेने के लिए आया यार। पैसा पानी एक भी नहीं है, एकदम टाइट चल रहा बजट, एकदम टाइट। जल्दी से तीन दिन कैसे भी करके बीत जाए भाई, पगार हाथ में आएगा तो थोड़ा जाके सुकून मिलेगा। मगर देखो ना, पगार जैसे आता है उसके अगले दिन क्या होता है कि भेजना पड़ता है ना पैसा, तो फिर से वापस वही जीरो वाली हालत में। ये एक ले लूँ, मेरे को एकदम पतला वाला चाहिए यार, ये सब मोटा वाला है। आई थिंक यही ले लेता हूँ, देख लो कि आज का ही होगा, 100 फील्स का होगा। कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा, मेरे कार्ड में 100 फील्स बड़ा हुआ है, आई डोंट हैव सिंगल मनी। सर वो लोग काम कर रहे हैं, अपने धंधे पे लगे हुए, जो जिसका ब्रांड है वो आता है, सेट करता है, एक्सपायरी जो होता है उसको निकालता है, फिर नया लगाता है। और आपको बताऊँ, कभी भी आपको सामान लेना रहेगा ना, तो ये आगे वाला कभी नहीं उठाना, पीछे वाला उठाना। आगे वाला क्या होता है ना, जो डेट एक्सपायर होने वाला होता है ना, वो लोग आगे रख देते, और जो पीछे वाला रहता है ना, वो नया रहता है। फॉर एग्जांपल हम लोग उसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अपनी ज़िंदगी में भी वही है ना। चलो वो फॉर ये सब बता दिया, नॉर्मली कभी भी मॉल वील में जाओगे ना ऐसी जगह, तो पीछे वाला उठाना, वो नया रहता है, और आगे वाला अब समझदार कोई सहारा काफ़ी है, बाकी आपकी मर्जी भाई। हम तो ये सीखे हैं, मैं तो पीछे वाला ही उठाता हूँ, तो कौन लेगा बिच ले भाई। वो 100 फील्स के लिए मैं काट दूंगा ना, क्या होगा। चलो ले लिया भाई, कार्ड देने के लिए इतना शर्म लग रही थी, मैं निकाला ही नहीं। और देखा, चेक किया तो मेरे पास में रूपा दिनार पड़ा हुआ था, तो 100 फील्स समझ रहे हो, कोई भी अगर समझ ले इंडिया में जाओगे ना, तो 10-20 रुपये का बोलोगे भाई 10 रुपये का कार्ड स्वाइप कर दे, तो कितना एम्बैरेसिंग लगता है ना। वैसा मेरे को 100 फील्स का कार्ड स्वाइप कराने में एकदम एम्बैरेसिंग लग रहा था, तो फिर देखा तो मेरे पर्स में रूपा दिनार पड़ा हुआ था, तो भाई 100 फील्स दे दिया उसको। अब बच गया। चलो मेरे पास में करी है मेरे कल की, और ये हो गया खबूस। तो आज का लंच अपना ऐसी हो जाएगा, एक चम्मच चमनप्रास और वो कैमल का मिल्क पी के निकला हूँ। अभी कितने बज गए देखो, 1:30 बजने वाला है। तो ये हो गई अपनी लाइफ, अब चलो ख़त्म। मतलब वही क्या यार, काम जो डेली करते वही करेंगे, और इस प्यारे से एमडी मॉल में। चलो बढ़िया है, मैं खुद को लकी मानूंगा यार, कसम से बता रहा हूँ। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा ट्रांसफ़र कभी ऐसे मॉल में होगा, क्योंकि ना जब मैं आया था मेरे को रेगिस्तान में डाल दिया हुआ था, खाली वहाँ पर आपको बालू 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 वगैरह दिखा ही रहा था। बट जी हाँ, अभी यहाँ पे आया हूँ तो लोग देखने मिलते हैं, उनका कल्चर देखने मिलता है। और वहाँ पे क्या होता है, खाली गाड़ी में बैठे रहेंगे, पी 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 करके ऑर्डर दे देते थे, बस ऑर्डर दिया फिर गाड़ी में उनको जाके दे दिया और चले जाते थे। मगर यहाँ पे जब नए नए लोग, उनका कल्चर, उनका फैशन, और क्या सीन चल रहा है, क्या ऑफर्स चल रहे हैं मॉल में, तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगने लगा। बोला चल सही है भाई, चलो बाय, मिलते हैं आफ्टर अपना काम ख़त्म करने के बाद में। सबके सब मक्खी मार रहे हैं। मैकडोनल्ड्स आ जाओ भाई, 120 का अगर मिल रहा है सैलरी। एक्चुअली मैकडोनल्ड 120 ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि KFC 135 प्रोवाइड कर रहा है।
और हमारा 140 प्रोवाइड कर रहा है। बाकी आपकी मर्जी, जिसमें आना है उसमें आओ, धक्के खाओ लाइफ में और आगे बढ़ो। KFC देखो क्या काम कर रही है, वही काम करना पड़ता है। और KFC के अंदर सबसे ज़्यादा भूटानी पाए गए भाई, सबसे ज़्यादा भूटानी और मसूरी मैंने देखा है KFC के अंदर। बस ना भाई, कितना बोलेगा अब तू, चलो बाय 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 बाय। ये भी नया खुला है, चलो ले लिया भाई। कार्ड देने के लिए इतना शर्म लग रही थी, मैं निकाला ही नहीं। और देखा, चेक किया तो मेरे पास में रूपा दिनार पड़ा हुआ था, तो 100 फील्स समझ रहे हो, कोई भी अगर समझ ले इंडिया में जाओगे ना तो 10-20 रुपए का बोलोगे भाई 10 रुपए का कार्ड स्वाइप कर दे, तो कितना एम्बैरेसिंग लगता है ना। वैसा मेरे को 100 फील्स का कार्ड स्वाइप कराने में एकदम एम्बैरेसिंग लग रहा था। तो फिर देखा तो मेरे पर्स में रूपा दिनार पड़ा हुआ था, तो भाई 100 फील दे दिया उसको। अब बच गया। चलो मेरे पास में करी है मेरे कल की, और ये हो गया खबूस। तो आज का लंच अपना ऐसी हो जाएगा, एक चम्मच चमनप्रास और वो कैमल का मिल्क पी के निकला हूँ। अभी कितने बज गए देखो, 1:30 बजने वाला है। तो ये हो गई अपनी लाइफ, अब चलो ख़त्म। मतलब वही क्या यार, काम जो डेली करते वही करेंगे, और इस प्यारे से एमडी मॉल में। चलो बढ़िया है, मैं खुद को लकी मानूंगा यार, कसम से बता रहा हूँ। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा ट्रांसफ़र कभी ऐसे मॉल में होगा, क्योंकि ना जब मैं आया था मेरे को रेगिस्तान में डाल दिया हुआ था, खाली वहाँ पे आपको बालू 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 वगैरह दिखाई रहा था। बट जी हाँ, अभी यहाँ पे आया हूँ तो लोग देखने मिलते हैं, उनका कल्चर देखने मिलता है। और वहाँ पे क्या होता है, खाली गाड़ी में बैठे रहेंगे, पी 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 करके ऑर्डर दे देते थे, बस ऑर्डर दिया फिर गाड़ी में उनको जाके दे दिया और चले जाते थे। मगर यहाँ पे जब नए नए लोग, उनका कल्चर, उनका फैशन और क्या सीन चल रहा है, क्या ऑफर चल रहे हैं मॉल में, तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगने लगा। बोला चल सही है भाई, चलो बाय, मिलते हैं आफ्टर अपना काम ख़त्म करने के बाद में। सबके सब मक्खी मार रहे हैं। मैकडोनल्ड्स आ जाओ भाई, 120 का अगर मिल रहा है सैलरी। एक्चुअली मैकडोनल्ड 120 ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि KFC 135 प्रोवाइड कर रहा है और हमारा 140 प्रोवाइड कर रहा है। बाकी आपकी मर्जी, जिसमें आना है उसमें आओ, धक्के खाओ लाइफ में और आगे बढ़ो। KFC देखो क्या काम कर रही है, वही काम करना पड़ता है। और KFC के अंदर सबसे ज़्यादा भूटानी पाए गए भाई, सबसे ज़्यादा भूटानी और मसूरी मैंने देखा है KFC के अंदर। बस ना भाई, कितना बोलेगा अब तू, चलो बाय 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 बाय। ये भी A few moments later प्यारे व्यू के सामने अपना लंच, थोड़ा सा ऑरेंज जूस खबूस। मैं खा लेता हूँ भाई, तब तो थोड़ा सा टाइम लेट देख लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। चलो गाइस, ब्रेक वगैरह फिनिश हो गए, अब आपको मिलते हैं बाद में। अच्छा लगा खाना खाया, थोड़ा टाइम पास हुआ, और चलते हैं। चलो भाई, दो खबूस बच भी गए मेरे। वो है ना, हम तीनों का जस्ट नाउ अभी ख़त्म हुआ काम, एंड बाद में भी आप। अब्दुल आज क्या है, आज क्या है, आज सोमवार है, आज सोमवार, सोमवार को क्या करना पड़ता है? I said today is Monday, sir. What I have to move do? Move in the chair. Move in fucking chair. Let's go start. Why the table? You clean the table today, sir? Yeah, he also clean. I clean nicely. What is this? Nicely. Yeah, I have the picture. No problem. Okay. चल भाई, अभी ये सारी चेयर को, आज मंडे है ना, तो सारी चेयर को हम लोग को हटाना पड़ता है। तो टाइम लैप्स देख लो आप लोग, एंजॉय करो। ये रहा कुछ सीन ऐसा, मसरी ने ये पूरा किया, हमने खा लिया लास्ट के तीन, और यहाँ के आजा नंबर वन। फिनिश, लेट्स गो। अभी बाकी का टाइम वहाँ पे यार, क्या वेरी गुड। अभी वहाँ का ख़त्म किया है, अब ये पूरा बाकी है, अभी इसको भी ले जाना है, हमको वहाँ पे फेंकना है। सब मजे ले रहे, बोलते रुक जा भाई, बहुत ज़्यादा टेबल है, बहुत सारा चेयर है। सच में यार, ये खाली मंडे को ना मॉल का बहुत सरदर्द है। हालांकि एकदम क्लीन है भाई, एकदम क्लीन है, कोई भी कस्टमर खाया ही नहीं तो कैसे गंदा रहेगा।
बट अभी क्या ही बोले यार क्या आप ओनली फाइनली खत्म किया वाला अभी वो वहाँ का मगजमारी पालना है देवे अभी वहाँ का मगजमारी पालना है तो अगर तीन लोग है ना इसलिए 10 मिनट में हो गया अदरवाइज तो और टाइम लगता है अगला बेचारा लगा पड़ा हुआ है इन लोग को भी काम करना पड़ रहा मतलब हटाना पड़ रहा है ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ ठीक है तो गाइस अभी फिलहाल अपन थोड़ा सामान लेके जाना पड़ेगा मेरे हाथ में मोबाइल मैं यूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई विल कीप इनसाइड माय वॉकेट बिकॉज थोड़ा बहुत सामान है दूसरे स्टोर के लिए उनके पास खत्म हो गया तो ये भी सीन करना पड़ता है तो फिलहाल अपने इस ब्लॉग को करते हैं खत्म आई होप तो यू एंजॉय द ब्लॉग वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ₹150 में मेरे बीवी बच्चे मतलब मेरे बीवी बच्चे बोलो मतलब मेरे बच्चे लोग ₹150 में कम से कम 3-4 दिन 2 लीटर 1 लीटर मिल्क पीते थे मतलब अगर खरीदा होता तो ₹150 में मेरे वाइफ और मेरी बीवी तो ₹150